नर्सरी का ओनर ही तुम्हारे पिता है ब्रो। अरे अरे लेकिन नर्सरी कौन सी? बर्थडे के दिन पे पहला स्टोरी तो वही था ना मेरे भाई मेरे भाई। लड़की छेड़ना, लड़की को आवाज देना, सिट्टी मारना, कितने गुने दाखिल है मेरे ऊपर। अरे मैं बस लड़की बात हूँ, मैं कभी किसी लड़की से मिला से नहीं आज तक। कारसिन भारत क्या बोलिए, एक क्वेश्चन, करण दादा इतका तोतला असून मुली त्याच्यावर फिदा का आहेत? देख दोस्त, सच्चाई और मतलब देख रियल और रील में फर्क होता है, समझ रहा है? मैं यहां पे जो बोल रहा हूं वो रील है, और रियल में करण एक सूखी घास है जिसको कोई पानी नहीं डाल रहा दोस्त, ये सच्चाई है, समझ रहे? वो बेचारा बहुत ही तरस रहा है दोस्ती के लिए। अगर तेरे ओलक में कोई अच्छी दोस्त हो जो उसके साथ अच्छे से दोस्ती करे तो प्लीज कॉन्टेक्ट हिम ब्रो, प्लीज। मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मुझे इग्नोर करो ब्रो। मेरे अगर बोलने पे तुम चलोगे तो शायद करण 8 से 10 शादी अब तक कर चुका होता, समझ रहे हो? मैं कुछ भी बोलता हूँ, मुझे इग्नोर किया करो आप। उसको मैं तुमको बताना चाहता हूँ, सच्ची बात बताना चाहता हूँ। एक लड़की से हुआ था प्यार, बट वो छोड़ो, प्यार भी कुछ होता नहीं है। मैं वांजोटा मारना चाहता हूँ। बाप रे, वो वाड़वंटे में हम भी आना चाहते हैं, ऐसा वांजोटा हमें भी बनना है। अरे बाबा तुमने तो पूरी नर्सरी खरीद के रखी है, तुम क्या ही बोलो कौन सी नर्सरी, क्या समझ ले नर्सरी का? नर्सरी का ओनर ही तुम्हारे पिता है ब्रो। अरे अरे लेकिन नर्सरी कौन सी? बर्थडे के दिन पे पहला स्टोरी तो वही था ना मेरे भाई मेरे भाई। का कुछ ना कुछ पॉइंट है ही लाइफ में। मेरे पास वीडियो कॉलिंग के भी वीडियो वीडियो इस ढंगे हुए आइटम के, वो जुल्फे ऐसे मुंह पे आई हुई थी ब्लैंकेट की तरह, और वो हमारी छोटी दीदी वो भी सो गई थी, और ये कौवा भी सो गया था। और मैं और श्रीमान इनको मालूम नहीं, रात को कभी भी गुटके हाँ शिवम भाऊ, ए शिवान कोई कुछ बोलने का उसका पॉइंट है ही इसमें। मेरे पास सब स्टॉक इनका। देख अभी हाँ, चार्मी कुछ बोला ना, उमर तो का चार्मी को नहीं, नहीं नहीं कैसा है मैं बताता हूँ। मिस्टर इस रिस्पेक्टेड केटीएम लवर, एक्चुअली सबका पॉइंट सबके पास है, बट वो कैसा है, वो एज का विषय और रिस्पेक्ट का विषय आ जाता है। नहीं तो नहीं तो नोबिता के बाद भी बहुत सारे सीक्रेट्स दबे पड़े होंगे, बस वो बोलेगा नहीं। नहीं 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 मेरा कोई, मेरा कौन सा सीक्रेट? अका गांव आके तो पान टपरी के खोपरे में थुक के जाता है, वैसे मेरी जिंदगी है, पूरा गांव को मालूम है, तो क्या ही छुपाना। तो मेरे को एक बात बोलनी है नोबिता जी, आ जाओ। हाँ बोलो जी। चार्ली के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने जो चल रहे उनके कांड वो मुझे सब पता है, तो उनको बोला बच के रहिए। बम नहीं तो फट सकता है। इधर मीटअप हुआ था उस मॉल में जो खाना पीना होता है ना उनका, नहीं बट उसका करण जी, पूरा चार्ली एक एक समय था जब चार्ली बहुत ही दुख में हुआ करता था, और वही दुखी वाला चार्ली ए बंदे बंदे की जब इधर आना असलियत हमें भाई। पता चली है अब जाके, तब आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? अभी चार्ली फिलहाल जो अभी टॉपिक चल रही है हरियाली में बहुत ज्यादा है, चार्ली जी कुछ टेंशन नहीं है। नहीं, हरियाली का ठीक है, लेकिन उस बंदे के लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, मेंटली सैक्रिफाइस, और बाद में पता चला कि साला ये देवदास जो है वो एक्चुअल में भानुदास है। अरे देवदास को जिसने मारा ना उसका खूनी यही मतलब मुझे निकला। इतना बुरा लग रहा था दोस्तों उसके लिए, मस्करी नहीं है, अब डिटेल नहीं बता सकता हूं मैं पूरी की पूरी, और उस वजह से कांड भी हुआ एक बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी चलो जाने दो। लेकिन बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा कांड हमने करने दिया, होने गया जो भी हुआ, लेकिन आफ्टर दैट ये हवस का प्यासा भानु तो भानुदास ही निकला रे। अरे श्रीमान उसके मेरे को ऐसे ऐसे फोटो आए ना, मतलब अरे फोटो खाना मैंने खिला रंगे रहा है। हाथ पकड़ा है वे, कुछ कुछ चीजें क्या बताऊं। तेरे को बोलू क्या,
क्या वो मॉल में खाना एक, मैं जब मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं या फिर अपने ही लड़के ऐसे हैं। मेरे सामने तो दोस्तों इतने भोले हैं ना सब, मतलब मुझे वो रिस्पेक्ट करते हैं इस वजह से, लेकिन सारे के सारे बहुत भोले हैं मेरे सामने। और जिमान भाई हम सच में ही भोले हैं, आपके सामने ही नहीं। अरे बट आगो भाई देखा करा, चोर के दाढ़ी में टट्टी देखा तूने, इसको तो मैंने बोला भी नहीं था कुछ, इसने अपने आप पे क्यों लिया। अरे तो बोलू क्या, वीडियो कॉल की दुकान जो बूट कैंप पे खुली है ना, वो सबसे पहला व्यापारी यही छे। अरे मुझे तो लगता है ये बूट कैंप आने के पीछे का रीजन यही है, इसलिए वो इतना खुश था। अब बूट कैंप में मस्त पे की बेड पे बैठ के वीडियो कॉल, अपनी खुद की रूम होगी ये भगवान। उधर बूट कैंप जाने के बाद से वीडियो कॉल कम हुआ है मेरा। अच्छा उधर था, घर पे ज्यादा चल रहे थे क्या? घर पे ज्यादा चलता था, घर पे फुल वो सीसीटीवी सुपरविजन के अंदर था, मैं मोबाइल में लेके नहीं घूमता था, ऊपर एक कोपरे में लगाया था सीसीटीवी जैसा। क्या हो रहा है बाप रे, ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तेरा पर्सनल विषय, लेकिन मेरे ऐसे 15 डिवोर्स हो जाते थे अभी तक। हमारा टीका है क्योंकि हमने कुछ ऐसा गलत किया नहीं ना, तो मैं क्या गलत करके गाँव पर मेरे ऊपर कैसे से लगता है आगो मारे लाए, टोमड़ा मारे लाए बाबा। अरे टोमड़ा नहीं, हकीकत बताई। फिर मेरे को लड़की छेड़ना, लड़की को आवाज देना, सिट्टी मारना, कितने गुने दाखिल है मेरे ऊपर। अरे मैं बस लड़की बात हूँ, मैं कभी किसी लड़की से मिला से नहीं आज तक। ये नाम का लड़की बाजू बस। सॉरी करण भाई, इतना सच नहीं बोलना था, फिर क्या बोलू। टॉपिक नोको मेरे को टेंशन आ गया। नहीं नहीं देख देख नोबिया जो है वो है करता वीडियो कॉल, तू है तेरे पास, हमारे पास नहीं है वीडियो कॉलिंग के लिए कोई, तो ठीक है ना। अच्छा अच्छा ये श्रीमान का चिल्लाने की वजह से मेरे सब सावत चले गए। खोल 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 सावत सावत सावत, हाँ एक दूसरे की ना। आजकल की जनरेशन है ना एकदम चील हो गई है बाबा, लेकिन ज्यादा ही नहीं हो रहा। लेकिन हाँ जरा और हो तो रहा है, बट अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है। एक मुझे बात बोलो, देखो ऐसा कोई नहीं है, पर्सनल एक लाइफ एक बार ही आती है, तो सब एंजॉय करके जीते, ज्यादा नहीं बोला ए लटके हुए मटके। ये नाम कड़क है भाई। एक बात बताओ, उसको एंजॉयमेंट बोलते हो? अरे तू फंस गया ना भाई, हम लोगों को क्यों ध्यान सिखा रहे हैं। अरे उस दिन तू रात को मेरे को 3 बजे फोन किया, कर लू भाई मुझे बचा इस टेंशन से, मैं क्या करूं, ऐसा बोल रहा था। तू अभी क्या बोल रहे रे? ए तू पर्सनल टॉपिक मत ला, उसने तुझे एक मेंटोर करके फोन किया होगा बेचारे ने, प्यार करो, तू पर्सनल टॉपिक बोल रहा है। करण तेरी लाइक ही नहीं है दोस्त मेरे, तेरे 3 बंदे। अरे श्रीमान बहुत रात को परेशान करता है मुझे, बोल रहा है कुछ जुगाड़ दो, आइडिया दो, कुछ आवाज नहीं पट रहे, करनो भाई कुछ आइडिया। अरे बोलना अभी जेरी बोल। मैंने कब बोला? बोला ना कमी ने छुटा। अरे श्रीमान जेरी यार का है शी। अरे मैंने कब मेरे को प्लीज बचाइए, मर जा आओ का जीरो, वीडियो कॉल पे लगा रे।